आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ कि पोटोलिका का प्लांट को बिना मिट्टी के कैसे उगा सकते हैं, जिसे हम टेबल रोज भी कहते हैं। तो मेरे पास कुछ ये पोटोलिका के पौधे की कटिंग है, जिसके द्वारा हम छोटी छोटी बोतलों में उगाएंगे। ये बोतल हमें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो लगाना शुरू करें। अब ये हम बोतलों में छोटी छोटी बोतलों में पानी भर लेंगे। ये बोतलें देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, और जब इसमें फूल बोतलों में फूल आएंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब हम इसमें एक एक कटिंग लगाते हैं। सोच रहे होंगे कि बिना मिट्टी के पौधों में फूल कैसे आएंगे, लेकिन नहीं, हमारे फूल बराबर वैसे ही आएंगे जैसे हम मिट्टी में पौधे को रोपित करके आते हैं, वैसे ही हमारे पौधे इस पानी की बोतल में भी आएंगे। अभी हमारे चारों बोतलों में पोटोलिका का पौधा तैयार हो गया है। देखिए ये पौधा हमारा कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब इसमें छोटी छोटी सी इसमें जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बिना मिट्टी के पौधों को आप देखिए। अब ये हमारे बालकनी में टांगने लायक बोतलें हो गई हैं। हमारी बोतलों को बालकनी में टांगने के लिए तैयार हो गई। हम इस रस्सी से कैसे अपनी बोतलों को टांग के बालकनी में टांगेंगे, इसको मैं आपको हम पठान लगा के आपको बताएंगे हमारी बोतलों को हम कैसे टांगेंगे। ये अभी हमारी बोतल टांगने के बालकनी में टांगने के लिए तैयार हो गई। ये देखिए अभी ये हमारा पोटोलिका का पौधा बालकनी में टांगने के लिए तैयार है। चारों पौधे हमारे बालकनी में टंगने के लिए तैयार हैं। अब इसे हम 5 दिन बाद अब आपको पौधों की ग्रोथ के बारे में बताएंगे आपके लिए, और इसे हम अपनी बालकनी में सामने ले जा रहे हैं। आज हमारे पोटोलिका के प्लांट को 2-3 दिन हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए हमारे पोटोलिका का पौधा कितना ग्रो कर रहा है। ये देखिए देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से रूट्स आ रहे हैं। ये हमारे 2-3 दिन के लगाए हुए पौधे का परिणाम है। ये देखिए जो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। आप इन बोतलों को छत और बालकनी में भी टांग सकते हैं। मैंने ये बोतलों को अपने बगीचे में टांगा हुआ है, और ये हमारे बिना मिट्टी के पौधे तैयार हो गए हैं। इसे आप कहीं पर भी घर के अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पोटोलिका का दूसरे पौधे की प्रजाति है। ये देखिए इसे टेबल रोज भी कहते हैं, और ये अब हमारे छोटे छोटे से फूल खिल रहे हैं। अब ये फूल और 10-15 दिन बाद ये पूरा गुलदस्ता ऐसे ही भर जाएगा, और ये हमारे बिना मिट्टी के पौधे तैयार हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।